lecture mein hum geometric sequences ko study karenge. A sequence in which each term after the first term is found by multiplying the previous term by a constant value called the common ratio. Aisa sequence jisme pehli term ke baad har term is tarike se find ki jaye ke pichli term ko kisi constant se multiply kiya jaye to us sequence ko hum geometric sequence kehte hain aur वो कांस्टेंट वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉमन रेशियो कहते हैं या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेशियो ऑफ ए टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज सेम. Means ratio of a term an एक term और उससे जो previous term वो an minus 1. अगर ये हमारे पास किसी sequence में same हो तो उस sequence को हम geometric sequence कहते हैं और इस ratio को हम common ratio कहते हैं. R से हम इसको denote करते हैं. R is ratio of a term and the term previous from it और ये पूरे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सेम होती है. मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 3, 6, 12 सो ऑन. अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें हर टर्म के बाद अगली टर्म इस तरीके से फाइंड की जा रही है कि हम पिछली टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहां पे देखें तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया. या अगर हम ये देख लें कि किसी दो टर्म्स की रेशियो निकाल लें 6/3 और 12/6 तो वो हमारे पास सेम है जो कि है 2. तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. इसी तरीके से हम एक और सीक्वेंस देख लेते हैं 2, 6, 18. इसमें भी यही हो रहा है कि हर टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म इस तरीके से आ रही है कि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वो कांस्टेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे? रेशियो होगी एक टर्म की और उससे पिछली टर्म की. एक टर्म 18 और उससे पिछली टर्म 6 जो कि हमारे पास सेम है पूरे सीक्वेंस में 3. एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको जो फर्स्ट वीक पे मिली है वो $100 है और हर वीक जो है वो डबल होती जा रही है. तो नेक्स्ट वीक आपको कितनी पे मिलेगी? $200 डबल हो जाएगी. उससे नेक्स्ट वीक $400 यानी कि उससे डबल हो जाएगी. तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा 100, 200, 400 and so on यानी कि हर वीक जो है वो पे डबल हो रही है. अगर मैं रेशियो निकालूं दो टर्म्स की 200/100 which is equal to 2 तो पूरे सीक्वेंस में जो रेशियो है ये सेम आ रही है. ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है. अब अगर मैंने इससे नेक्स्ट वीक की जो है वो पे निकालनी होगी तो मैं इस 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 800 नेक्स्ट इसी तरीके से. अब ये तो है कि हमने यानी कि सिर्फ 3-4 वीक्स की जो है वो इस तरीके से निकाल ली. लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आप 10th वीक की या 20th वीक की जो पे है वो निकालें तो फिर हमें कोई ना कोई फार्मूला देखना पड़ेगा. तो जिस तरीके से हमने जनरल टर्म का फार्मूला देखा था इन अरिथमेटिक सीक्वेंस उसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस में भी फार्मूला देखते हैं. यही एग्जांपल जो है इसको मैं लेके कंटिन्यू करता हूं. अब यहां पे ये देखें कि ये जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो है 100
और उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो इस तरीके से आई है कि मैंने कॉमन डिफरेंस को उससे मल्टीप्लाई किया वन टाइम, यानी कि ये मेरे पास सेकंड टर्म है, उससे नेक्स्ट टर्म थर्ड जो है वो मेरे पास इस तरह से आई कि मैंने फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस से टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो इस तरीके से आएगी कि फर्स्ट टर्म को आप कॉमन डिफरेंस से थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देख लें कि जब हमारे पास सेकंड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को सिंपली आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर इज द कॉमन रेशियो। जब हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो की एक्चुअली टू पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो की थर्ड पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं उस वक्त फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन रेशियो की एक पावर लेस उस नंबर से जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन, कि मैंने जौन सी भी टर्म फाइंड करना होगी तो मैं फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो की उस पावर से मल्टीप्लाई करूंगा उस टर्म से एक जो लेस होगा। मिसाल के तौर पे यही जो एग्जांपल जो है इसमें अगर हमें कहा जाए कि सेवन्थ वीक की जो सैलरी है वो कितनी होगी, तो ए सेवन फाइंड करना होगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 100, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉमन रेशियो की सिक्स्थ पावर से, एक पावर कम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 6 इज 64, तो ये आपके पास आ जाएगा 6400। इसी तरीके से आप किसी भी वीक की पे जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई भी टर्म फाइंड करने का, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो एंड एन इज द टर्म टू बी फाइंड। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट ये है कि फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज 3, 6, 12 एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस है, इसकी हमने फिफ्थ टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 3, कॉमन रेशियो हम निकालें तो कोई भी दो टर्म्स की रेशियो 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2। अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। एन फिफ्थ टर्म हमने फाइंड कर दी है तो एन की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, ए 5 इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार 5 माइनस वन। वैल्यूज पुट कर दें, ए वन हमारे पास है 3, रेशियो हमारे पास है 2 रेज टू पार 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह की, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 ये है कि 10th टर्म फाइंड करें, फाइंड 10th टर्म इफ ए वन इज 2000 एंड
r इज 1 बाय 2। तो टेंथ टर्म फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन। एन इज 10, ए 10 इज इक्वल टू ए वन हमारे पास है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर सॉरी 10 माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर 9 जो कि हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/512 और 2000/512। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 32। तो इस तरीके से आप किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इफ फोर्थ टर्म इज ए फोर इज इक्वल टू 8/27 एंड सेवेंथ टर्म इज -64/729। हमने जनरल टर्म फाइंड करने हैं जब हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो 8/27 है और सेवेंथ टर्म जो है वो -64/729 है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि जनरल टर्म हमने फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। एक तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगी और दूसरा हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगी। अब ए फोर जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला ए वन आर रेज टू पार थ्री विच इज इक्वल टू 8/27 और ए सेवन जो है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ए वन आर रेज टू पार सिक्स विच इज इक्वल टू -64/729। अब मैं अगर ए सेवन ओवर ए फोर फाइंड करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा ए वन आर क्यूब ओवर ए वन आर रेज टू पार सिक्स इज इक्वल टू सॉरी ए वन आर रेज टू पार सिक्स ओवर ए वन आर क्यूब। तो ये हो जाएगा -64/729 डिवाइडेड बाय 8/27। इधर हमारे पास ए वन से कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू -8/27 और आर इज इक्वल टू -2/3। कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए यही हम देख लें कि ए वन आर क्यूब इज इक्वल टू 8/27। आर हमारे पास है ए वन इंटू -2/3 क्यूब इज इक्वल टू 8/27। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, रेशियो भी आ गई, तो अब हम जनरल टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। ए वन हमारे पास है -1 और आर हमारे पास है -2/3 रेज टू पार एन माइनस वन। सो दिस इज दी जनरल टर्म। इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस को स्टडी किया। सबसे पहले हम देखा कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म इस तरीके से आए कि अगर हम प्रीवियस टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो कहते हैं, या अगर किसी सीक्वेंस में एक टर्म
और उससे पिछली टर्म की जो रेशियो है वो सेम हो तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। एक एग्जांपल हमने देखी 3, 6, 12, ये एक सीक्वेंस में है, तो हमने देखा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और हर टर्म इस तरीके से आ रही है पिछली टर्म के बाद कि हम उसको इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल देखी, फिर हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखा कि अगर जो है किसी एक पर्सन की पे जो है वो फर्स्ट वीक में $100 हो और हर वीक वो डबल हो रही हो तो नेक्स्ट वीक में वो $200 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट में $400 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रही होंगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जिसमें हमारे पास रेशियो जो टू टर्म्स की है वो सेम है। और फिर हम देखा कि ये तो है, अगर हमने 2-3 वीक्स की पे फाइंड करना हो तो सिंपली हम ये कर लेंगे कि डबल करते जाएंगे या 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो हमारे पास प्रीवियस वीक की पे होगी। लेकिन अगर हमें 10th वीक और 20th वीक की पे फाइंड करना हो तो फिर हमें कोई ना कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का एक फॉर्मूला देखा जो कि हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए फिर हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व की। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सॉल्व होंगे।